लोग लास्ट क्लास तक तो जेई मेन 18, 19, 20 ये सब सब तो बनाए ही। अब हम लोग आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस बनाएंगे, जो सब जो मल्टीपल चॉइस वगैरह जो क्वेश्चंस है वो बनाएंगे, ठीक है। 2013 के बाद जो एग्जाम्स है वो जेई एडवांस नाम से जाना जाता है। उसके पहले आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आईआईटी लिखा हुआ है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब तो एडवांस के ही क्वेश्चंस हुए, ठीक है। तो हम सब में एडवांस ही साइड में लिख देंगे, शुरू करते हैं। आईआईटीज में क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक हाइपरबोला है, इफ ए हाइपरबोला पासिस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स x² / 25 +y² / 16 = 1 एंड इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस कोइंसाइड्स विद मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटीज इज 1। देन आपके पास दिया हुआ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² / 9 -y² / 16 = 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी ऑप्शन में x² / 9 -y² / 25 = 1। सी में फोकस 5-0 दिया हुआ है, डी ऑप्शन में 5√3-0 दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर फोकस करे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार एक इलिप्स है, इलिप्स के दो फोकस होंगे, फोकस हैं, और फोकस से हाइपरबोला गुजर रहा है, इस फोकस से। उसके बाद कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के अलोंग बता रहा है, ठीक है। गिवेन इलिप्स, इलिप्स दिया हुआ है x² / 25 / y² / 16 = 1। एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, 9/25, 3/5 एसेंट्रिसिटी हो गया। फोकस कितना हो जाएगा, 3s। आपके पास AE0 3-0 -A0 सिंस हाइपरबोला पासिंग थ्रू दी फोकस ऑफ एलिप्स, इसलिए फोर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए ये जो दूरी है ना, ये फोकस उसका वर्टेक्स का काम करेगा, ये दूरी जो है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। हाई फोकस वॉक्स एस वर्टिसेस ओ हाइपरबोला, इसलिए सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ए जो होगा ना वो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 3 बता रहा है, ठीक है। एल्सो ई डैश = 1, जहाँ की ई जो है ना एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला का, इलिप्स का, और ई डैश हाइपरबोला का। तो ये तो तुम्हारे पास 3/5 आया हुआ है, ई डैश 5/3 हो जाएगा। अब ऐसा स्थिति में बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1। ए स्क्वायर तो तुम्हारे पास 9 हो गया, 25/9 16, यानी
इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर 16 1। एक ऑप्शन तो आपके पास ये सही हो रहा है। फोकस ऑफ हाइपरबोला, फोकस ऑफ हाइपरबोला फिर से वही चीज हो जाएगा एस प्लस माइनस ए ई जीरो। यहाँ हाइपरबोला के लिए ए का मान 3 है और 5/3 ई है, यानी प्लस माइनस 50, यानी 50 माइनस 50, ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। देखिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा हुआ है। ये मैच फॉलो ही कॉलम 1 कॉलम 2 दो कॉलम दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, पहला में ए में, बी में दिया हुआ 2 म्यूचुअली एक्सटर्नल सर्कल और तीसरा में दिया हुआ 2 सर्कल 1 स्टिकली इनसाइड अदर और चौथा में दो बोल रहा है 2 ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। अगर ये 3 क्वेश्चन रहता तो सर्कल का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के कारण वो ठीक है हाइपरबोला में इंक्लूड हो गया। ऑप्शन में बोल रहा है पी have a common tangent, have a common normal, do not have a common tangent, do not have a common tangent, common normal, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ए शब्द है और वन शब्द है दोनों में अंतर होता है। ए जो है ना वो एक कॉमन मतलब वन अगर लिखा रहता है तो एग्जैक्टली वन के लिए डिस्कस करता है और ए में अगर एक भी रहेगा एक से ज्यादा भी रहेगा तब भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उसको। यही क्वेश्चन का सबसे मजबूत पहलू था। तो पहला जो क्वेश्चन है 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो इसका कॉमन टेंजेंट तो होगा ही और जब सेंटर को मिलाएंगे तो कॉमन नॉर्मल भी हो जाएगा, यानी कि ए का पी और क्यू दोनों होगा। बी में बोल रहा है म्यूचुअली एक्सटर्नल सर्कल, तो कॉमन टेंजेंट तो होगा ही। देखिए 4 कॉमन टेंजेंट है तो ए बोल रहा है एटलीस्ट 1 के लिए कंसीडर कर रहा है ये, कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल सेंटर को मिलाने वाला लाइन जो होता है ना, दोनों का सेंटर को मिलाने वाला लाइन सर्कल का कॉमन नॉर्मल होता है। तीसरा है 1 सर्कल इज स्ट्रिक्टली इनसाइड अदर, तो इसका कॉमन टेंजेंट तो नहीं निकलेगा ठीक है, लेकिन कॉमन नॉर्मल होगा यानी क्यू और आर कॉमन नॉर्मल सेंटर को मिलाने वाला लाइन। डी जो है ना 2 ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला है ठीक है, तो इसके कॉमन नॉर्मल तो होंगे, ये कॉमन नॉर्मल है कॉमन नॉर्मल तो होंगे, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि ये कॉमन टेंजेंट है तब तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो एक ही हाइपरबोला का है, ये तो कोर्ड का काम करेगा ऐसा स्थिति में, तो इसके लिए भी वही हो जाएगा have a common normal or do not common ठीक है। A hyperbola having the transverse axis 2 sine theta is confocal with ellipse 3x square plus 4y square is equal to 12. Then its equation is option A है x square cosec square theta minus y square sec square theta equals to 1. Option B है x square sec square theta minus y square cosec square theta equals to 1. C है x square sin square theta minus y square cos square theta. D है x square cos square theta माइनस बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शंस
क्वेश्चन में देखिए, एक इलिप्स है, एक हाइपरबोला है, दोनों का ही फोकस एक ही बिंदु पे है। इलिप्स लेट इक्वेशन आए हाइपरबोला कॉन्फोकल विथ इलिप्स एक्स स्क्वायर फोर बाई स्क्वायर थ्री इक्वल्स टू वन। सेंट्रिसिटीज का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन माइनस वन बाई टू। फोकस कितना हो जाएगा, ए फोकी हो जाएगा ए कमांड टू एस वन जीरो माइनस वन जीरो। सिंस एलिप्स एंड हाइपरबोला बोथ कॉन्फोकल विथ कॉन्फोकल, इसका मतलब फोर हाइपरबोला फोकस ए ई जीरो कितना हो जाएगा, वन। एल्सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए टू साइन थीटा दिया हुआ है, यानी ए बराबर साइन थीटा। चूंकि बी स्क्वेयर हम लोग जानते हैं, इसका तो मान एक है, इसका साइन स्क्वायर थीटा है यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कोनिक्स में मेन प्रॉब्लम यही है, अगर आप सिर्फ एलिप्स जानते हैं तब भी सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ हाइपरबोला जानते हैं तब भी सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ पैराबोला बनाते तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, मिक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको थ्योरी जान लेना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन में यूज आएगा। वो थ्योरी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक थ्योरी। थ्योरी क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई will represents a pair of straight line through origin. Homogeneous का मतलब क्या हुआ, variable का power term same होना चाहिए, जैसे इसका दो है x और y एक एक मिलकर के दो हुआ,
इसका दो है, मतलब वेरिएबल पावर टर्म जो है ना, समेशन ऑफ वेरिएबल का जो पावर जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव होगा तो ये ओरिजिन से गुजरता हुआ एक स्ट्रेट लाइन के जोड़े को दिखाएगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के जोड़े को दिखाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, तो इसको कंपेयर कीजिए, ए का वन, एच का तीन, बी का वन, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। उसका क्या स्वभाव होगा, वो ओरिजिन से गुजरेगा। तो इसके बारे में इस कोनिक्स के बाद एक और चैप्टर 4-5 दिन पढ़ाएंगे, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि अगला क्वेश्चन एडवांस्ड में आया हुआ है जिसमें जरूरत है, इसलिए हम ये थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दिए। IIT जैसे बड़े कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही देखा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चंस को। देखिए सवाल में बोल रहा है ए बी जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है, उसके बाद फिर सवाल बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स फाइव प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। फिर बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला ऑप्शन में बोल रहा है फोर स्ट्रेट लाइन्स को, और कंडीशन दिया हुआ व्हेन सी इज जीरो ए एंड बी ऑफ सेम साइन। बी में बोल रहा है टू स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल व्हेन ए इक्वल्स टू बी सी इज अपोजिट ऑफ ए। सी में बोल रहा है टू स्ट्रेट लाइन एंड अ हाइपरबोला व्हेन ए एंड बी ऑफ सेम साइन सी इज अपोजिट ऑफ ए। और डी बोल रहा है ए सर्कल एंड एन एलिप्स व्हेन ए एंड बी ऑफ सेम साइन सी इज ऑफ अपोजिट साइन। अब देखिए कोनिक्स में 5 सेक्शन आपको पढ़ना है, मेन तो कोनिक्स ही पढ़ना है, उसमें 4 चैप्टर को रिलेट कर रही है, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स, सब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ चीजें आपके पास नोन है, ये जैसे नोन है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पीछे जो थ्योरी बताए हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसके अनुसार ए सिक्स एच स्क्वायर माइनस ए बी, चूंकि होमोजीनियस इक्वेशन है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी देखे 1 × 6 24/4 1/4 पॉजिटिव, तो एक तो क्लियर हो गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब मेरे को किसको देखना है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसलिए कि बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें स्ट्रेट लाइन का जिक्र है, एक में 4 है और 2 में 2-2, तो एक तो हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहा है इसलिए वो 3 ऑप्शन में से कोई भी संभव है। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए के अनुसार बोल रहा है सी जीरो है, ए एंड बी ऑफ सेम साइन, तो ए बराबर 2 और बी बराबर 3, 3 दोनों पॉजिटिव है सेम साइन मान लिए, तो 2x²(3y²)+0 एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, ये तो पॉइंट आ गया क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर का जोड़ कभी 0 हो ही नहीं सकता, होगा कब, मतलब 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, अगर 0 दिया हुआ तो 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, x बराबर 0 y बराबर 0 रहेगा तभी संभव है, यानी पॉइंट को शो कर रहा है, जबकि इसमें 4 स्ट्रेट लाइन बता रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन बोल रहा है ax²(b²)+c, ठीक है, जहां a और b बराबर है और c जो है ना वो उल्टे साइन का बता रहा है, अपोजिट साइन,
ए बराबर टू, बी बराबर टू, और सी बराबर माइनस थ्री लेकर के चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर टू बाई स्क्वायर माइनस थ्री यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 3/2। ये तो साफ दिख रहा है कि सर्कल है, तो एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, टू स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल, ये ऑप्शन सही है। और लगे हाँ तो इसको भी चेक कर लेते हैं, हालांकि मेरा काम हो गया लेकिन फिर भी हम चेक कर देते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है ए एंड बी ऑफ सेम साइन सी अपोजिट, ए बराबर टू बी बराबर थ्री सी बराबर माइनस फोर, तो टू एक्स स्क्वायर थ्री बाई स्क्वायर माइनस फोर, टू एक्स स्क्वायर थ्री बाई स्क्वायर फोर, ये इलिप्स को दिखा रहा है जबकि यहाँ मेंशन हाइपरबोला। इलिप्स और सर्कल दोनों में से कोई हो सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है, गलत है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में जो है ना आपका सेल्फ अजम्पशन, जैसे ही ए और बी का मान आप पुट करते हैं ना सफिशियंट कंडीशन को मान करके, तुरंत बन जाता है। और आप लोग क्या करते हैं ना कि उसके कंडीशन के हिसाब से ए बी को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सही तरीका है कि ए और बी का जो कंडीशन दिया हुआ उसके हिसाब से वैल्यू पुट करना ही इसमें सही तरीका है, क्योंकि बिना एफर्ट लगाए हुए ही बहुत आसानी से ऐसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, considered a branch of hyperbola x square minus 2 pi square minus 2 root 2 x minus 4 root 2 by minus 6 equals to 0 with vertex at a point A, B be one end point of the lattice rectum, C is focus of hyperbola nearest to A, then area of triangle ABC। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि condition क्या है ये hyperbola। ठीक है, यहां पे हम टू जोड़ दिए, बैलेंस करने के लिए दो घटाना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यहां भी वही किए, ये देखिए ये माइनस माइनस यही है आपके पास हाइपरबोला। सेंटर तो इसका हो गया रूट टू माइनस रूट टू समवेयर यहां, ठीक है, ये ए बता रहा है, इसका फोकस सी है, इसका वन एंड बी है, यही क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक,
ठीक है, यहां a का मान 2, b का रूट 2, एसेंट्रिसिटी कितना होगा हाइपरबोला का? 1/2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1/2 3/2 ए ई, ये लेंथ ए सी जो होगा वो तो ए ई हो गया, तो ए ई लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी इसको अगर क्या मान ले, इसको एन अगर मान ले तो एन सी की दूरी कितना हो जाएगी, ये दूरी ए ई, ए का मान कितना है 2√6 एन सी हो गया, और एन ए आपके पास क्या है, एन ए 2 है, एसी आपके पास क्या होगा, √6 − 2, ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये हाइट बी स्क्वायर बाई ए होना चाहिए क्योंकि लैटस रेक्टम की लंबाई 2b² / a होता है, तो ये तो हाफ लैटस रेक्टम है, यानी बी सी अगर हम लोग निकालेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए होना चाहिए ये डिस्टेंस, ठीक है। 1, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए, आधा आधार ऊंचाई ए सी हो जाएगा √6 − 2 1, ये कितना हो जाएगा, ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है लेकिन आपको ये सब चीजें तो बेसिक क्वेश्चंस में बताई हैं, ये सब चीजें आता है तभी ये बन पाएगा, ठीक है। The line passing through the extremity A of major axis and extremity B of minor axis of an ellipse x² + 9y² = 9 meets the auxiliary circle at M. Then area of triangle AM and origin, AM और origin को मिलाने वाला जो triangle बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, ऑप्शन दिया हुआ है 31/10, 29/10, 21/10, 27/10 स्क्वायर यूनिट्स। गिवन एलिप्स एलिप्स बनाएंगे तो ये ऑक्सिलरी सर्कल, ये M पे कट किया, ये ओरिजिन है, किसी का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ये तो आपको दिख रहा है 3 है और ये दिख रहा है 1 है, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, एक्स बटा तीन वाई बटा वन, ये जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन, इक्वेशन ऑफ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 003 इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर तीन का स्क्वायर, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ तीन है, तो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर नौ, ठीक है। अब ये कोड है, अब सर्कल का यूज आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड ए एम बराबर ट्वाइस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर की लेंथ तीन, पी की लेंथ, ठीक है, यहां से तीन कॉमन लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एम बराबर आधा हाफ ओ एन ऊंचाई हो गया और ए एम बेस हो गया, ओ एन कितना है 3/√10 और ये अभी निकाले हैं 27/10 स्क्वायर, कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये सर्कल और एलिप्स को कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए सवाल बोलता है द नॉर्मल एट ए पॉइंट पी ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y² = 16 मीट एक्स एक्सिस एट क्यू, इफ एम इज मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू द लोकस ऑफ एम इंटरसेक्ट द लैटिस रेक्टम ऑफ गिवन एलिप्स एट पॉइंट्स, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, गिवन एलिप्स एक्स स्क्वायर 16 बाय स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर बाय स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, ठीक है। एलिप्स अगर डिस्कस करेंगे ये हो गया एलिप्स, सेंट्रिसिटी इसका कितना हो जाएगा, √3/2, ए कितना हो जाएगा 2√3, तो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू ए ई, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ई, ठीक है। ठीक है, बोल रहा है इस पे कोई पॉइंट है, लेट पी 4 cos θ 2 sin θ इज ए
पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द एलिप्स फोर कॉस थीटा टू साइन थीटा नॉर्मल टू एलिप्स एट फोर कॉस थीटा टू साइन थीटा नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा ए एक सेक थीटा बी बाई कॉसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए कितना है फोर एक्स सेक थीटा टू बाई कॉसेक थीटा फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर एक्स सेक थीटा टू बाई कॉसेक थीटा ट्वेल्व यानी 2x sec theta by cosec theta is 6 ठीक है चूंकि normal cuts x axis at q x axis का मतलब y equals to 0 2x sec theta 6 यानी x बराबर 3 cos theta ये cos theta उधर चला जाएगा यानी कि q का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 3 cos theta 0 3 cos theta 0 m is midpoint of pq तो m कितना हो जाएगा 4 cos theta 3 cos theta बटा 2 और 2 sin theta plus 0 बटा 2 7 बटा 2 cos theta sin theta let m x y as its locus to find x बराबर हो गया 7 by 2 cos theta y बराबर sin theta cos theta बराबर 2 बटा 7 x x square by cos square sin square theta 1 ये कितना हो जाएगा 2x बटा 7 by square 1 4x square 49 by square 49 ठीक है locus of m equation of lattice rectum x बराबर कितना है plus minus 2 root 3 plus minus 2 root 3 का square 49 by square 49 48 49 by square 49 49 by square 1 y plus minus 1 by 7 यानी पॉइंट क्या आ जाएगा plus minus 2 root 3 plus minus 1 by 7 ठीक है ये आंसर होना चाहिए देखिए थोड़ा सा सरल रख करके बनाने का है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया ये इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ एम हो गया इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो एक्स का मान तो दिया हुआ ही है इसमें पुट किए तो वाई का मान निकल गया देखिए एम तो हम लोग निकाल लिए एम का हमको लोकस चाहिए तो हम क्या किए ना कि एम को एक्स वाई मान लिया अल्फा बीटा भी मान सकते थे एक बार 7 / 2 cos थीटा हो गया y बराबर sin थीटा हो गया cos थीटा 2x / 7 हो गया sin थीटा y हो गया क्योंकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 क्योंकि हमको थीटा हटाना था तभी लोकस निकल पाता तो सबसे अच्छा माध्यम हम यही देखे cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 यहां पे वैल्यू दोनों का पुट कर दिए इससे यही लोकस निकल गया m का अब हम लोग लैटिस रेक्टम का इक्वेशन देखेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बोल रहा है देखो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि
लोकस ऑफ एंड ऑफ एम इंटरसेक्ट द लैटिस रेक्टम ऑफ गिवन एलिप्स. एलिप्स का लैटिस रेक्टम प्लस माइनस 2√3, क्योंकि लैटिस रेक्टम का समीकरण जो होता है ना x बराबर ए ही होता है. ए ही क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है वो डबल ऑर्डिनेट और माइनस के ही, इसलिए हम इस समीकरण को लिख रहे हैं. इसमें पुट कर दिए इसलिए बाई का मान प्लस माइनस 1/7 निकला. x का मान तो 2√3 है ही, बाई का मान प्लस माइनस 1/7 है. उसमें देखें ऑप्शन मेरा वो सी टकरा रहा है. देखिए बोल रहा है द एलिप्स E1 एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल R व्हिच एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू 0, 4 एंड सर्कमस्क्राइबिंग रेक्टेंगल R देन एसेंट्रिसिटी ऑफ E2 का एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है. देखिए सवाल क्या बोल रहा है, E1 आपके पास है एक्स स्क्वायर 9 बाई स्क्वायर 4 1, यानी कि इस तरह से एक एलिप्स है. इसको एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब है. रेक्टेंगल का खासियत है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल उसके साइड से ये 3 है, ये 2 है, तो इस हिसाब से ये 3-2 पॉइंट होना चाहिए. और एक और इलिप्स है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ये E2 है, ये E1 है और ये R है. ये जो है ना वो किससे गुजर रहा है, 0, 4 से गुजर रहा है. तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ E2 क्या हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 4 हो जाएगा. ठीक है, और दिस एलिप्स पासिंग थ्रू 3, 2 से क्यों पास कर रहा है, ये डिस्टेंस 3 है, ये 2 है, रेक्टेंगल का ये किनारा 3, 2 होगा, इसी से ये पास कर रहा है 3, 2 से. तो 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1, यानी 9/k² और ये 1/4 है, 9/k² 3/4 हो जाएगा, यानी k² 12 हो जाएगा. यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स E2 क्या है, एक्स स्क्वायर 12 वाई स्क्वायर 16. अब ये वर्टिकल एलिप्स है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें बी ज्यादा है ए से, इसलिए 1 - 12/16. देखिए ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा था कि E1 एक इलिप्स है वो कि जो कि इंस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल का नाम R है, और वो रेक्टेंगल जो है ना वो E2 इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, और E2 इलिप्स का 0, 4 एक किनारा दिया हुआ है, 0, 4 दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस हम a मान लिए, ये डिस्टेंस, तो उस हिसाब से x² / a² / y² 4 हो गया. और इस एलिप्स E1 के अनुसार ये डिस्टेंस 3 है, ये 2 है, तो ये किनारा 3, 2 हो गया, जो कि R का किनारा हो गया, जो कि ये E2 एलिप्स पे लाई कर रहा है. तो उस पे पुट किया तो a² का मान निकल गया, a² निकल गया तो तुरंत एसेंट्रिसिटी निकल गया. देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है.
अभी हम लोग कोनिक्स ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं आज, तो एडवांस के बहुत सारे सवाल किए हैं, कल लास्ट क्लास कोनिक्स के कर देंगे। ये देखिए बार बार हम ये बोल रहे हैं कि आईएसी का सबसे मुश्किल सेक्शन में से एक है ये। अगर ये सेक्शन आप कर लेते हैं तो आपके पूरा कोऑर्डिनेट से 5 क्वेश्चन यानी 25 में से एक 1/5 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट से ही आने हैं और बहुत कंफर्टेबली बन जाएंगे। जिस हिसाब से हम आपके कॉन्सेप्ट का सवाल हम बनाए हैं तो आराम से उसके क्वेश्चंस बनने को है। कल हम कोनिक्स लास्ट कर देंगे, उसके बाद फर्दर प्लानिंग आपको कल के बाद बताएंगे।